की धरती का भाग्य विधाता चेयरमैन कौन बनेंगे, उप चेयरमैन कौन बनेंगे, कई वार्ड पार्षद, कई हमारे सूत्र बता पा रहे हैं कि कई जगह चेहरे में बदलाव होगा, कई कुर्सियां जो खाली पड़ी हैं उसमें नए चेहरे जाएंगे, ऐसा हमारे सूत्र बता पा रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग जुड़ेंगे, मैं उनसे भी बताने का प्रयास करूँगा। कहीं जाइएगा मत, बन रहिएगा हमारे साथ। कैंडिडेट जो खड़े हुए हैं जिसका नाम कुशाल खान है, वो किसी चेहरे का मोहताज नहीं, वो किसी पहचान के मोहताज नहीं, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो जनसंपर्क जो डोर टू डोर कैंपेन हो रहा है तो वो बहुत ही सादगी भरा हो रहा है, ना कि कोई शोर शराबा, ना कि कुछ भी। और हमारा सबसे पहला मुख्य उद्देश्य रहेगा विकास करना। विकास में वो रहेगा कि सबसे पहले हम क्या करना चाहेंगे कि अपने युवाओं को रोजगार देने का काम, जैसे कि जो भी आप देख पा रहे हैं कि पार्क सिर्फ नंदन झा पार्क का उद्घाटन हुआ लेकिन उसको सही सुचारित रूप से अच्छे से नहीं दिया गया। उसके बाद जल संसाधन जो है हमारा, जल सड़क योजना जो है, तो वो भी हम उसको मुख्य रूप से ठीक करने का काम करने का काम करेंगे। उसके बाद जो शिक्षा पद्धति का काम है, जो मतलब बच्चों को शिक्षा अच्छी रूप से नहीं मिल पा रही है, जो सरकार की तरफ से लाभ मिलना चाहिए, मिड डे मील का लाभ मिलना चाहिए, और भी जो लाभ होना चाहिए, और भी अस्पताल जो है, सरकार की जो सारी योजनाएं हैं, हम उस पर पूरे खड़े हैं। किस रूप में कुशाल को देख रहे हैं? हम युवा इस कुशाल को इस रूप में देख रहे हैं कि वो आने वाला दिन में वो सबसे बड़ा और अच्छा नेता के रूप में, भावी नेता के रूप में। युवा हैं, मैंने उनकी खबर लगाई थी, उनका इंटरव्यू लिया था जी, और सबसे युवा जी जी अभ्यर्थी के रूप में मैंने प्रोजेक्ट किया, तो वो है भी जी जी। तो क्या कुछ लग रहा है आपको? बहुत आगे तक जाएगा, और ये तो सिर्फ मतलब शुरुआत हुई है, और उसके बाद वो सबसे आगे जाएगा। और हमारा सबका सबका साथ सबका विकास, ये तो नारा हमारा सबसे शुरू से रहा है और ये आगे भी रहेगा, और हम लोग सब मिलकर अच्छे से काम करेंगे। क्या कुछ होगा? बहुत कुछ होगा। सबसे पहले तो झाझा नगर परिषद के जनता और मतदाता मालिक को मेरा आदाब प्रणाम। अब युवा सोच है, युवा जोश है, और हर हाल में क्या आम का चुनाव चिन्ह आम छाप है, सीजन भी आम का है, सीजन भी आम का है, बहुत मीठा है, फलों का राजा है, आप तो जानते ही हैं। और रहा सवाल कि आम का जो भी मिठास है वो खुशहाल खान के साथ है और मिलेगा, सब तरफ से उनका सहयोग समर्थन मिल रहा है, बहुत आगे तक जाएंगे। नाम है आपका? रमेश कुमार जालान। रमेश, सबसे कम उम्र के एक युवा आए हैं और हर जगह उनको हर तरह का कोऑपरेट मिल रहा है, और युवा भी उसको कोऑपरेट कर रहे हैं, महिलाएं भी कर रही है, और हम चाह रहे हैं एक युवा आवे, लोग को कॉन्फिडेंस दिन पर दिन बढ़े। तो क्या लग रहा है आपको? क्या नाम है? बबलू केसरी। बबलू जी, क्या कुछ होगा? बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है, उस साल को आशीर्वाद दे रहे हैं। हाँ भैया, प्रणाम। आम साहब भैया, दर्शकों, जिस प्रकार आप हर दिन आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, हर नया चेहरा हमारे चैनल पे होता है, और आप लोगों का प्यार जिस तरह से मिल रहा है, लगातार मिल रहा है, हम आशा करेंगे प्यार आशीर्वाद सहयोग हमेशा देते रहें। आज हम युवा चेहरा कुशल खान के पिता मंजू खान से जुड़ेंगे, जिस तरह प्रचार कर रहे हैं, वो डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों से मिल जुल रहे हैं। हर बाप का सपना होता है दर्शक, हमारा बेटा मुझसे ऊँचा जाए, गरीब से गरीब बाप भी हमारे के लिए बड़ा से बड़ा सपना देखता है, और सपना देखना भी चाहिए, और वो संतान का, वो बेटा का जो बाप से ऊंचा नहीं जा सके। ऐसे में मौजू खान तमाम लोगों से मिल जुल रहे हैं, सोनापट्टी अस्सी बाजार में कई लोगों से मिला, कई लोगों से आशीर्वाद मांगा अपने बेटे के लिए। जितना आप जानते हैं, मौजू खान का व्यवहार ही इनका परिचय है, लगातार इनके पास एक बहुत, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि झाझा एक मिडिल टाउन, मैं हर बार बताता हूँ, झाझा में हर एक बंदा एक दूसरे को प्यार से जानता है, भले उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाए, लेकिन उनके बात अच्छी तरह लोगों को पता होती है। जिस तरह से मौजू खान आज वोट मांग रहे हैं, मैं जानना चाहूँगा क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है? बस वोट मांगा जा रहा है आम छाप पे, सीजन भी है आम का, और हम चाहते हैं कि भाई जनता का आशीर्वाद मिले हमको और हमारे बच्चे को, जो युवा है समाज का सेवा कर सके। और जिस तरह आपने बेटे को प्रोजेक्ट किया मौजू, कहीं ना कहीं लग रहा है कि हर बाप का सपना होता है कि उसका बेटा उससे ऊँचा जाए। एकदम, ये हर बाप का फर्ज है और शौक भी है कि हम उसका बच्चा अच्छा से अच्छा कार्य करे और बाप के नक्शे कदम पे चले। अच्छा, जिस तरह आप तमाम लोगों को लेकर चलते हैं मुझे, हर लोगों, आप क्योंकि आप, आपको किसी जात में नहीं बांटा जा सकता जहाँ की मैं जानता हूँ, तो क्या कुछ लग रहा है, कितने लोगों का समर्थन मिल पा रहा है? बहुत भरपूर समर्थन है, हर जाति का, हर कास्ट का। आप नॉमिनेशन में देखे होंगे कि हमारे नॉमिनेशन में मतलब हर एक जाति का लोग हमारे साथ थे, हर एक जात,
इसलिए हम उस जात पे खड़ा है कि क्योंकि हमको हर जात का समर्थन चाहिए। मान लीजिए आपका बेटा उप चेयरमैन बनता है, झाझा का युवा है, तो क्या कुछ होगा, क्या कुछ आपने प्लानिंग दे रखी है उनको? बस ईमानदारी से अच्छा काम करे और समाज का जितना सेवा हो सके उसको करे, और जो सरकारी सरकार उसको उस तक पहुंचेगा उस सर उस पब्लिक के बीच पहुंचाए, इसका गाइडलाइन में हम लोग रहेंगे। अच्छा, जिस तरह आप देख पा रहे हैं कि तमाम युवा भी उनके साथ, युवाओं की टीम, देखिए दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा हमारे देश भारत में है और सबसे ज़्यादा बेरोजगारी भी हमारे देश भारत में ही है, तो ऐसे में अगर खान का बेटा नहीं, आपका भी बेटा हो सकता है समाज के, एकदम एकदम तो बेटा को बाप आशीर्वाद, एकदम आशीर्वाद फूल है, जीतेंगे, उसमें कोई दिव्य लड़ाई नहीं। अच्छा, है हर बाप चाहता है कि हमारा बेटा मुझसे आगे जाए, तो कुशल को किस रूप में आप देखते हैं? एकदम आगे बढ़ेगा और जो भी होगा हम लोग खुल के मदद करेंगे।